जिस तरह से फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी का विजय हुआ है, मुझे लगता है कि पूरे देश में अब उनके कद का कोई नेता नहीं है और आने वाले 25 सालों में न बनने की कोई गुंजाइश दिख रही है। तो जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि चौकीदार का जो नारा लगाया था वो क्या उन्हें उल्टा पड़ा? देखिए, ये भी एक कारण है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। बात रही राफेल की, राफेल का मुद्दा पूरी तरह से देश की जनता ने नकार दिया है और चौकीदार बहुत ही विश्वसनीय है, हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इस प्रकार का निर्णय दिया है। वो अब पूरे देश को, चाहे अपने हो या चाहे विरोधी हो, ये अब स्वीकारना पड़ेगा। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, आइडियोलॉजिकल वार थोड़ा हुआ 4 साल में, लेकिन 25 साल से हम एक साथ रहे और जब हमने देखा कि सामने मोदी जी का कद का देश को नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, तो फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश की सामान सौंपनी चाहिए, देश की भूमिका रही। तो हमने निर्णय भी लिया उसको, उद्धव जी ने, कि हम फिर एक बार मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। और हमारा निर्णय पूरी तरह से सही था, ये आपने देखा होगा, देश की जनता का मूड हमने देखा है, चंद्रा बाबू की हालत क्या है ये हमने देखी है। देश ने मोदी विरोधी जो भी हो, चाहे एनडीए के पूर्व घटक दल हो या चाहे और कोई हो, सबको नकार दिया।